कौन थे संत रामानुजाचार्य, जानिए इस छोटे से फैसले में मेरे साथ। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है माधुरी और आप देख रहे हैं चैनल यूनिक स्टडी ऑडियो। वैष्णव संत रामानुजाचार्य का जन्म सन 1017 में तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने कांची में अलवार यमुनाचार्य से दीक्षा ली थी। श्रीरंगम के यतिराज नाम के सन्यासी से उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली। पूरे भारत में घूमकर उन्होंने वेदांत और वैष्णव धर्म का प्रचार भी किया। उन्होंने कई संस्कृत ग्रंथों की रचना की, उनमें से श्री भाष्यम और वेदांत सबसे प्रमुख है। क्या है नए मंदिर की खासियत? इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ रामानुजाचार्य की दो मूर्तियाँ होगी और दोनों की बनावट अलग अलग होगी। पहली मूर्ति अष्ट धातु से बनाई गई है और यह 216 फीट ऊंची है। इसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। दूसरी प्रतिमा मंदिर के गर्भगृह में रखी जाएगी, जो कि रामानुजाचार्य की 120 सालों की याद में 120 किलो सोने से बनाई गई है। और इसकी खास बात यह है कि इस दूसरी मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 13 फरवरी को करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को हैदराबाद में 11वीं सदी के इस मंदिर का अनावरण किए। हैदराबाद के बाहरी इलाके शमशादबाद में 45 एकड़ के परिसर में स्थित है यह मंदिर। मंदिर में दर्शनार्थियों को 5 भाषाओं में ऑडियो गाइड मिल सकेगी और वो भाषाएं होंगी अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु। एक भाषा इसमें और अभी जुड़ने वाली है। यहाँ हर तरह की सुविधा होगी। मंदिर के भीतर रामानुजाचार्य के पूरे जीवन को चित्रों और वीडियो में दिखाया जाएगा। साथ ही दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध 108 दिव्य रेशम की रिप्लिका भी इस स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के चारों ओर बनाई जा रही है। तो ये तो कुछ खास बात है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को लेकर। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपना फीडबैक कॉमेंट के माध्यम से जरूर दें। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।